नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं के बारे में बताऊंगा, तो आइए उसे देख लेते हैं। आज ही के दिन 1592 में मुगल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का लाहौर में जन्म हुआ था। शाहजहां पांचवें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे थे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया था। आज ही के दिन 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहड़ क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया था। आज ही के दिन 1691 में यूरोप में पहली बार कागजी मुद्रा स्वीडन के बैंक ने जारी की। इससे पहले तक स्वीडन में सिक्का चलता था जो कि चौकोर और बड़े आकार का होता था। आज के दिन 1905 में चार्ल्स पेरी ने बृहस्पति के सातवें उपग्रह इलारा की खोज की थी। हमारे सौर मंडल के पांचवें ग्रह बृहस्पति ने 79 ज्ञात उपग्रह हैं जिनकी परिक्रमा की कक्षाएं परखी जा चुकी है और स्थायी पाई गई है। यह संख्या सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह से अधिक है। आज के दिन 1914 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने पहली बार कर्मचारियों का एक दिन का भत्ता $5 देने की सीमा निर्धारित करके दुनिया के सामने न्यूनतम वेतन का उदाहरण पेश किया था। आज के दिन 1955 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कलकत्ता में जन्म हुआ था। ममता बनर्जी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है। लोग उन्हें दीदी के नाम से संबोधित करते हैं। आज ही के दिन 1970 में चीन के यूनान प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से 15,000 लोगों की मौत हुई थी। आज ही के दिन 2014 में इसरो ने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था। इसे भू स्थिर कक्षा में उपग्रहों और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया गया था। आज के दिन 2005 में इरिस सौर्य मंडल का सबसे बड़ा ज्ञात बोना ग्रह है जिसकी खोज माइकल ई ब्राउन के नेतृत्व में एक दल ने की थी, जो मूल रूप से 21 अक्टूबर 2003 को सैन डिएगो काउंटी कैलिफोर्निया में पालोमर वेधशाला में ली गई छवियों का उपयोग करके किया गया था। आज के दिन कैलिफोर्निया स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1850 में हुई थी। आज के दिन भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जन्म 1986 में हुआ था। 2006 में पादुकोण ने अभिनेता उपेंद्र के साथ कन्नड़ फिल्म में काम करते हुए अपनी पहली फिल्म ऐश्वर्या की थी। बाद में 2007 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करते हुए फराह खान की ओम शांति ओम से सफलतापूर्वक बॉलीवुड में कदम रखा था। आज के दिन भारतीय गुरु परमहंस योगानंद जी का जन्म 1893 में हुआ था। परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार और प्रसार किया। आज के दिन 1941 में क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी का भोपाल में जन्म हुआ था। मंसूर अली खान पटौदी एक भारतीय क्रिकेटर और पटौदी के 9वें नवाब थे। उनका विवाह 27 दिसंबर 1969 को भारतीय फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हुआ था। आज के दिन 1993 में करीब 85,000 टन कच्चा तेल ले जा रहा तेल टैंकर शेटलैंड द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आज के दिन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एवं सांख्यिकी महासंघ ने पेले को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया था। आज के दिन हिंदी फिल्म संगीतकार, गायक और निर्माता निर्देशक सी रामचंद्र का 1982 में निधन हुआ था। रामचंद्र ने अपने सीने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता यूवी राव की फिल्म नागानंद से की थी। वर्ष 1942 में प्रदर्शित फिल्म सुखी जीवन की सफलता के बाद रामचंद्र कुछ हद तक बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। आज के दिन वैश्विक स्तर पर पंछियों के विलुप्त होने की चिंता दिखाई दे रही है। पंछियों के संरक्षण संवर्धन हेतु 5 जनवरी को विश्व पंछी दिवस मनाया जाता है।